हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनी, आप देख रहे टेक्टो सिटी चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपडेट निकल कर रहा है जियो की तरफ से। अगर आप परेशान हो 1 GB डेटा से और आपको कम पड़ता है 1 GB डेटा, तो आप रिचार्ज कर सकते हैं जियो का नया प्लान से। यहाँ पे आपको मिलता है 1.5 GB का डेटा हर रोज का, और साथ साथ कमाल की वैलिडिटी। यहाँ पे 198 का प्लान है, 398 का प्लान है, 448 का प्लान है, साथ साथ 498 का भी प्लान है। यहाँ पे आपको 198 के प्लान में मिलता है आपको 28 दिन की वैलिडिटी, और 498 के प्लान में मिलता है आपको 91 डेज की वैलिडिटी। अब बात करते हैं इसके 398 के प्लान में, इसमें आपको मिलता है 70 दिन की वैलिडिटी, और जो 348 का प्लान है उसमें आपको मिलता है 84 डेज की वैलिडिटी। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल कर रहा है एयरटेल की तरफ से, जहाँ पे एयरटेल कर रहा है जियो कम्पीट। यहाँ पे एयरटेल कर रहा है अपने प्लान में चेंजेस। यहाँ पे 399 का प्लान में कुछ चेंजेस हुए हैं, जहाँ पे उसकी वैलिडिटी बढ़ के हो गई 70 दिन की। हालांकि बेनिफिट्स तो वही है, 1 GB का रोज का डेटा, साथ साथ अनलिमिटेड कॉल और साथ साथ अनलिमिटेड SMS। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल गया एप्पल की तरफ से, जहाँ पे एप्पल दे रहा है iOS और macOS का नया अपडेट। यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन स्पेक्ट्रे चिप वल्नरेबिलिटी से। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल गया कॉलकॉम की तरफ से, जहाँ पे कॉलकॉम ने लॉन्च कर दिया अपना नया लो पावर्ड ब्लूटूथ का SoC, जो कि यूज हो सकता है हेडसेट में। यहाँ पे कॉलकॉम ने ये लॉन्च किया है CES 2018 के इवेंट में। यहाँ पे कॉलकॉम ये भी कहता है कि 5G सपोर्टेड स्मार्टफोन आ सकते हैं 2019 तक। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वीवो की तरफ से, जहाँ पे वीवो ला सकता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की टेक्नोलॉजी कल CES 2018 के इवेंट में। हो सकता है वीवो लॉन्च कर दे अपना पहला स्मार्टफोन जिसमें आपको देखने को मिल सकता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है वोडाफोन के लिए, जहाँ वोडाफोन भी उधर जो है कॉम्पिटिशन में। यहाँ पे उसने अपने दो प्लान के वैलिडिटीज को बढ़ाया है, जो कि 458 का प्लान और 509 का प्लान। यहाँ पे 458 के प्लान की वैलिडिटी 70 दिन से बढ़ा के कर दी है 84 डेज की, और यहाँ पे जो 509 के प्लान की वैलिडिटी 84 डेज से बढ़ा के कर दी है 91 डेज की। हालांकि बेनिफिट्स तो वही मिलते हैं, हर रोज का 1 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल और SMS। जैसे यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग के लिए, जहाँ पे सैमसंग लॉन्च कर चुका है काफी सारी चीजें CES 2018 में। यहाँ पे सैमसंग ने अनाउंस किया है बिग्सबी का सपोर्ट कुछ IoT डिवाइसेस के लिए, जिसे कंट्रोल कर पाएंगे स्मार्ट थिंग ऐप से। यहाँ पे सैमसंग ये भी कहता है कि वो ला सकता है AI के सिस्टम जो कि कनेक्टेड रहेंगे डिवाइसेस और कुछ अप्लाइंसेस से, जिसे आप कंट्रोल कर पाओगे अपने स्मार्टफोन से 2020 तक। जैसे यहाँ पे अगला अपडेट निकल कर रहा है हाइक की तरफ से, जहाँ पे हाइक ने लॉन्च कर दिया अपना नया फीचर हाइक आईडी का। यहाँ पे इस फीचर में होगा ये कि यूजर चैट कर पाएंगे बिना अपने फोन नंबर को शेयर किए हुए। यहाँ पे हाइक कहता है कि यहाँ पे इस फीचर्स की वजह से यूजर अपने प्राइवेसी को मेंटेन कर पाएंगे, और ये आ सकता है एंड्रॉयड में अगले ही हफ्ते से, और आईफोन यूजर्स को थोड़ा वेट करना पड़ेगा इस अपडेट के लिए। जैसे यहाँ पे अगला अपडेट निकल गया है सैमसंग की तरफ से, जहाँ पे आपको सैमसंग में देखने को मिल सकता है 2 RAM और स्टोरेज के वेरिएंट। यहाँ पे रहेगा 4 GB का रैम और 6 GB का रैम। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 4 स्टोरेज के वेरिएंट। यहाँ पे 64 GB भी होगा, 128 GB भी होगा, 256 GB होगा, और 512 GB का इंटरनल स्टोरेज हो सकता है। SN प्लस में आपको देखने को मिला 6 GB का रैम और 512 GB स्टोरेज का वेरियंट भी। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल कर JBL की तरफ से, जहाँ पे CES 2018 के इवेंट में JBL ने लॉन्च किया अपना नया हेडफोन, जिसमें आपको मिलता है गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट, और साथ ही साथ लॉन्च किया है वाटर रेजिस्टेंस ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि एक वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है और वाटर रेजिस्टेंस भी है। दोस्तों यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आ रहा है फेसबुक की तरफ से, जहाँ पे फेसबुक कर लिया पार्टनरशिप Xiaomi के साथ। यहाँ पे Xiaomi बना सकता है Oculus Go VR हेडसेट। यहाँ पे ये एक स्टैंड अलोन VR होगा, यहाँ पे कोई भी PC या स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो इसकी प्राइसिंग हो सकती है $199, जिसकी प्राइस जिसको हम लोग इंडियन प्राइस में कन्वर्ट करने के बाद होता है 12 से 13 हज़ार के बीच में। दोस्तों यही थे आज टेक अपडेट्स। तो यहाँ पे जाते जाते मैं आप सबसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा टेक न्यूज़ सीरीज के बारे में। यहाँ पे टेक न्यूज़ सीरीज चालू किए हुए मुझे 2 हफ्ते से ऊपर हो चुके हैं। आपको वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको अगर नया सीरीज चाहिए तो उसके बारे में आप सजेशन दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, ताकि उन्हें भी रोजाना टेक अपडेट्स मिलते रहे। और आपके मन में कुछ सजेशन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलना, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे।